कक्षा 10 गणित की स्टूडेंट्स, देखिए कुछ एक्सरसाइज 4D। तो इसे पहले समझिए, द्विघात समीकरण ax2 + bx + c = 0 में विविक्त कर ज्ञात कैसे करते हैं। विविक्त कर तो विविक्त कर कहलाता है डी, और ये कहलाता है b2 - 4ac, ये विविक्त कर कहलाता है। इसके जो मूलों के लक्षण होते हैं, मूलों के लक्षण यानी शून्यकों के लक्षण, द्विघात समीकरण में कितने शून्यक होंगे, दो होंगे, तो मूलों के जो लक्षण होंगे कैसे ज्ञात कर दें। यदि विविक्त कर 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक है, तब मूल क्या होंगे, मूल या शून्यक कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, असमान होंगे। ठीक है, यदि विविक्त कर 0 से बड़ा है यानी कैसा, धनात्मक, विविक्त कर कैसा है, धनात्मक आया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा, 0 से छोटा ऋणात्मक कहलाएगा ना, तब जो शून्यक होंगे, शून्यक कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, और ये असमान होंगे। और यदि विविक्त कर 0 के बराबर है, 0 के बराबर तो शून्यक कैसे होंगे, शून्यक वास्तविक एवं कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये थोड़े नियम है इसके। देखिए एक सूत्र होता है, उससे हम शून्य कैसे निकालते हैं, तो सूत्र होगा x - b - √(b²-4ac)/2a, या इसी को लिख सकते हैं, ये देखिए b²-4ac कहला था क्या, विविक्त कर, तो या इसी को लिख सकते हैं -b + √(d), क्या विविक्त कर / 2a, d की जगह पे ये रखा गया, यानी इसकी जगह पे d रख दो। इस प्रकार इस सूत्र से हम x के मान निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण में जो शून्यक है इस सूत्र से निकाल सकते हैं। 4D का सवाल है, इसमें देखिए एक्सरसाइज 4E से, 4E का जो पहला सवाल है, 2x² + 14x + 9 = 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, मूल बराबर 0 लिखा है यहाँ पे, के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करो, सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, इसमें देखिए सूत्र बनता है तुम्हारा x - b, श्रीधराचार्य का सूत्र कह रहा था +√(b²-4ac)/2a। अब जो बी कहलाता है, ध्यान देना, ए बी सी है कैस में, तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे, इसमें तुलना करनी पर, तो x² का गुणांक यहाँ a है, यहाँ क्या 2 है, तो a = 2, x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ क्या 14 है, तो b = 14, और c = 9। अब इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो x = -b का मान कितना है यहाँ पे 9 +√(b², यानी कि नहीं सॉरी b का मान 14 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें देखिए x = b का मान ये है 14, तो यहाँ पे 14 + √(b², तो 14² - 4a का मान कितना है यहाँ पे 2, ये कहलाता है x² का गुणांक, और c का मान क्या है 4/5, यानी कि 9/2a 2, तो x = -14 + -14, 4×2 = 8, हम बात कर 14×14 कितने होते हैं 196, और 4×2 = 72, ठीक है ना, और बट्टी कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए x = -14 + -, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6 में से 2 क्या आएगा 4 आएगा, 9 में से 7 की क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, और 124 आ जाएगा बट्टी 4। तो इसके जो शून्यक होंगे, देखिए x के मान 2 होंगे, एक तो तुम यहाँ पे अगर कॉमन भी करना चाहो तो कर सकते हो, -14 + -, यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका 2 √(31) आएगा, 2×2 = 4, 1 + 4 = 4, 12,
यहाँ पे बट इज चार, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स बराबर आ जाएगा, दो कॉमन कर लेंगे इसमें, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 4, तो ये कम दो, दो दूनी 4, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 2, तो एक्स के दो मान आ जाएंगे, तो एक्स के जो मान होंगे एक प्लस मिल किया जाएगा -7 प्लस अंडर रूट 31 बटे 2 और एक -7 माइनस अंडर 31 बटे 2, यानी यहाँ पे एक बार ये जो प्लस माइनस का मतलब है, एक बार यहाँ प्लस में लेना है, ये सेम रखेंगे -7 प्लस अंडर 31 बटे 2, एक बार माइनस में लेंगे, ये तो माइनस का है ही, तो -7 तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा, दो मूल ये हो जाएंगे।